पनीर को आपने कभी दूध वाली ग्रेवी में बना के खाई है? अगर नहीं खाई है तो फिर एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मणिपुरी स्टाइल पनीर करी। हाय एवरीवन, खुरुम जरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पनीर करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम पनीर और इसको मैंने थोड़े से बड़े बड़े साइजेस में ऐसे कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पनीर को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्लेट में और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी और इसको मैं अपने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। 15 मिनट्स के बाद मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है और इसमें मैंने डाली है एक बड़ा चम्मच बटर और साथ में 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब मैं सारे ही पनीर पीसेस को डाल दूंगी कढ़ाई में। फ्लेम हम रखेंगे मीडियम और सारे ही पीसेस को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। ग्रेवी मैं इसी ऑयल में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 तेजपत्ता लंबा लंबा कट करके डाली है, 1 टीस्पून जीरा डाली है और थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक डाली है। सभी को मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी एक मिनट जैसा। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज को हम ट्रांसल्यूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटो। तो यहाँ पर मैंने एक पोटैटो ऐड किया है, इसको मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस से कट किए हुए हैं। प्याज को अगर हम पहले ही गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे तो जब हम इसे आलू के साथ पकाएंगे तो प्याज जल जाएगी और आलू सही से पक नहीं पाएगी। तो हम दोनों को एक साथ ऐसे पकाएंगे 1-1.5 मिनट के लिए ढक के, ताकि पोटैटो के ऊपर एक हल्की सी लाइट ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाए और प्याज भी हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए, जो कि बहुत अच्छी टेस्ट देगी इस रेसिपी को। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में मैंने यहाँ पे डाली है 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मिक्स कर लेंगे सभी को और मसालों के साथ इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 कप दूध, ये कच्चा दूध है, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी, साथ में 1 टेबलस्पून पाउडर दूध, और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी हेवी बॉब के 3 टुकड़े और साथ में थोड़ा सा जिंजर चॉप किया हुआ। अगर आपके पास हेवी बॉब नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हो 3-4 मिनट के बाद पोटैटोज भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इस स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पनीर, मिक्स कर लेंगे एक बार। उसके बाद इसको फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोल देंगे और ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चीनी और नमक स्वाद अनुसार। एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली स्प्लिट किया हुआ और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको ढक के रहने देंगे एज इट इज़ एटलीस्ट 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसको आप सर्व करिएगा गर्म गर्म राइस के साथ। ये वाली जो रेसिपी है राइस के साथ ही अच्छा लगता है। बाकी जितने भी पनीर के रेसिपीज आपने ट्राई किए होंगे उससे ये बहुत डिफरेंट स्वाद देगा आपको। तो अगर ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।